जब इकरा हसन की अखिलेश से हुई थी मुलाकात तो अखिलेश ने इकरा को क्या कहा, जिसे सुनते ही इकरा का कॉन्फिडेंस हो गया हाई। इकरा हसन की सियासत में अखिलेश को कितना है विश्वास, इकरा की जुबानी सुनेंगे तो सोच में पड़ेंगे। जयंत ने इकरा हसन के लिए क्या किया, जिसे इकरा ने कबूल किया, उसे जयंत की ओर से किए गए एहसान के तौर पर ले लिया। लंदन से लौटी सपा प्रत्याशी इकरा हसन सबके सामने कह रही, मेहनत करो, मेहनत हम अगर करेंगे तो जीत जाएंगे, रास्ते बन जाएंगे, जो सोचा है वो कर कर दिखा देंगे। अपने अपने गांव में मेहनत करके वोट डलवाने का काम कीजिए, और आने वाली 19 तारीख है, बस 2-3 दिन की बात है, उसके बाद आप और हम परिवार की तरह जैसे अब तक रहते आए हैं ऐसे ही रहेंगे। और इससे ये भी याद दिलाना चाहती हूँ कि हमारे संविधान को बचाने का भी चुनाव है। ये मेहनत की बात, ये मिलजुल कर रहने की बात इकरा हसन अपनी हर सभा में कहती हैं, करीब 1.5 साल से कह रही हैं। 1.5 साल से इकरा हसन कैराना में लोगों के बीच रफ्तार के साथ जा रही हैं, उनसे मिल रही हैं, बात कर रही हैं, उनकी समस्या को समझ रही हैं, उसे दूर करने का वादा कर रही हैं। लेकिन इन सब के बीच बड़ी बात यह है कि 1.5 साल पहले ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इकरा हसन की काबिलियत को पहचान लिया। 1.5 साल पहले अखिलेश ने इकरा हसन को कुछ ऐसा कहा था जिसके बाद इकरा ने 2024 की लड़ाई में उतरने का मन बनाया, खुद के परफॉर्मेंस को शानदार बनाने के कैराना के चप्पे चप्पे का दौरा किया, मजबूत तरीके से अपना पक्ष रखा। करीब 1.5-2 साल पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐसा क्या इकरा हसन को कहा था जिससे अब भी जब उनसे पूछा जाता है तो वो इसका जिक्र करना नहीं भूलती। इकरा कहती हैं, जब अखिलेश से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने मुझे चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा, टिकट देने का वादा किया था। 1.5 साल पहले हमें बता दिया गया कि तुम तैयारी करो, टिकट तुम्हारा है, साथ ही जीत कर आने को कहा। उन्होंने कहा, तुम्हारा पहला चुनाव है, मेरी तरफ से जो भी तुम्हें मदद चाहिए बिना किसी हेजिटेशन के कह देना, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम जीत कर आना। अखिलेश ने हमेशा सपोर्ट किया। जिस वक्त सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐसा वादा इकरा हसन से किया, उस वक्त अखिलेश के साथ गठबंधन में आरएलडी चीफ जयंत चौधरी भी हुआ करते थे। जयंत के बारे में जो इकरा हसन ने कहा उसे सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। इकरा कहती हैं, हमने ढेरों उतार चढ़ाव देखे, अखिलेश जयंत की दोस्ती टूटी, दोनों की पार्टियों का गठबंधन टूटा। जब दोनों के बीच दोस्ती थी तो उस दौरान कैराना में और भी लोग लाइन में थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने हमें आश्वस्त किया, विधानसभा चुनाव के बाद मेरी माँ से उनकी बात हुई, तभी यह मामला तय हो गया, कैराना से मैं ही लोकसभा चुनाव लड़ूंगी। गठबंधन में हमारी सीट आरएलडी पर जानी थी, जयंत का ये एहसान मैं भूल नहीं सकती हूँ। उनसे अखिलेश ने जब 7 सीटों पर नाम मांगे थे, कैराना पर सिर्फ उन्होंने मेरा नाम दिया था। साफ है, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरह आरएलडी चीफ जयंत चौधरी को भी इकरा हसन की सियासी क्षमता पर विश्वास था। वो भी बखूबी जानते हैं इकरा में इतनी क्षमता है कि वो अपने विरोधी को मात दे सकती हैं। ये बात और है, जिस कैराना सीट पर जयंत चौधरी के लिए तमाम दावेदारों में पहले नंबर पर रहीं, दावेदारों को रिजेक्ट कर जयंत ने इकरा को तवज्जो दी, अब उसी इकरा हसन के खिलाफ वो बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप चौधरी का प्रचार कर रहे हैं।